أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم We are still talking about financial assets and financial liability. Let's have another question. Pay limited purchase 4% coupon 10,000 bonds of rupee 100 each. अब इसमें देखे final figure नहीं है बल्कि उसने numbers of bonds खरीदे हैं और एक bond जो है वो 100 रुपए का है आपने 10,000 bond खरीदे उस पर कूपन रेट जो है वो 4% है यानी आप टोटल इन्वेस्टमेंट पर आपको एनुअली 4% मिलेगा एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% अब देखिए यहाँ उसने नहीं बताया कि कितने में ख़रीदे आपने कहा कि 2% डिस्काउंट आपको मिला तो आपकी जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 या ऐसा भी कर सकते हैं कि 2% 100 का बना 2 रुपये तो आप 98 से मल्टीप्लाई करें तो ये 980,000 में आपने खरीदे क्लियर द बॉन्ड्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 4 इयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 5% देखिए फ़र्क क्या है इसमें तो ये भी बता दिया अब वो जो बात हमने छोड़ी थी पिछले केस में यहाँ वो बता रहा है कि जी आपको 5% हम ऐड ऑन करके देंगे अच्छा कैलकुलेशन में जाने से बगैर आप एक चीज़ नोट करें कि आपकी टोटल बॉन्ड्स जो वैल्यू है वो जो ख़रीदा है वो आपने 980 में लेकिन आपको इंटरेस्ट मिल रहा है पूरे 1 मिलियन पर और फिर 5% प्रीमियम भी मिलना है तो इसका मतलब ये कि 5% बन जाएगा आपका और 50,000 तो फाइनली आपको 1.05 मिलियन यानी 1 मिलियन यानी 10,50,000 रुपये वापस होंगे प्लस द इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा तो ये आपने परचेज़ किया है तो आपका एसेट है याद रखें ये आपकी लायबिलिटी नहीं है इसमें देखें इफ़ेक्टिव रेट जो है ना 5.73 दिया हुआ जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप इसको फाइनेंशियल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो वहाँ फॉर्मूला लगाएं तो आपको एग्जैक्ट रेट मिल जाता है कि आपका क्या रेट इफ़ेक्टिव रेट क्या पड़ा कैसे कि आपको प्रॉफिट भी मिला एनुअली प्लस आपको प्रीमियम भी मिलेगा टूवर्ड्स दी एंड तो इफ़ेक्टिव रेट पर एनम क्या बना तो वो फाइनेंशियल कैलकुलेटर से एक सर्टन फॉर्मूलों के तहत वो इफ़ेक्ट निकाल दिया तो इसमें उसने बता दिया हुआ है कि 5.73 हालांकि 5.73 बड़ा ऑड है लेकिन ये भी अगेन राउंड किया अप टू 2 डेसिमल शो हाउ द फाइनेंशियल एसेट्स विल प्रेजेंटेड इन ईच ईयर अकाउंट देखिए आप 16, 17, 18, 19 चार साल बनते हैं आपने पूरे 4 सालों का बताना है कि इसको कैसे रिकॉर्ड होना है डिटेल वर्किंग मस्ट बी गिवन सबसे पहले आपको 980 की इन्वेस्टमेंट आपने की रिडम्पशन आप देखें आपको देना पड़ेगा 1050 ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको तो 980 आपका क्लोजिंग बैलेंस सॉरी ओपनिंग बैलेंस था जो आपने लायबिलिटी क्रिएट हुई और इस पर इंटरेस्ट देखें आप लेंगे 5.73% और जो इंटरेस्ट वापस होगा वो होगा 40 यानी जो मिलेगा कैश 40,000 4% अब जो डिफरेंशियल है 56 और 40,000 का जो डिफरेंशियल है वो आप ऐड ऑन करेंगे अपना 980 में वहाँ क्या किया था हमने जो डिस्काउंट था वो भी ऐड ऑन किया था इन्वेस्टमेंट में तो यहाँ आप अपनी लायबिलिटी में ऐड करें इसी तरह सेकंड ईयर में आप देखें कि 996,156 इसमें आप ऐड करें इंटरेस्ट 5.73 तो और 40,000 माइनस करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,03,13,23,23,24 हो जाएगी इसी तरह 3 में आप इंटरेस्ट वर्कआउट करें ये एग्जैक्ट 5.73 के बेस पर कैलकुलेट किया जा रहा है लेकिन फोर्थ ईयर में अगेन वो राउंड की वजह से आप देखें कि ये फिगर जो है अगर निकालें तो वो कुछ और बनती है ये एग्जैक्ट 59,708 नहीं बनती तो अब फाइनल फिगर जो है आपको क्या मिलेगी इसमें 40,000 आपका इंटरेस्ट है 50,000 आपके प्रीमियम का हिस्सा है और फिर जो डिफर 1 मिलियन जो है वो आपका ओरिजिनल अमाउंट है तो टोटल जो है आपको ऐड ऑन करें तो ये बनता है 109,000
दिस इज टोटल अमाउंट यू आर गोइंग टू गेट एट फोर्थ ईयर एंड। अच्छा, अब इसमें जनरल एंट्रीज देखें क्या है। आपने इन्वेस्टमेंट्स की 980,000 की और बैंक क्रेडिट कर दिया। 31 दिसंबर को आपने हमने एक ही साल की एंट्री बनाई है, सारे सालों की ज़रूरत नहीं है, वो अकाउंट बना देंगे लेकिन एंट्रियों की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स डेबिट की, इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट किया और फिर जो डिविडेंड आया कैश डेबिट किया और इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट कर दिया। और फाइनली जो बैंक में आपको आया ये 109 और इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये आखिर में आपने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, अब इसमें जो मेन इशू है ना वो है कि इनकम, ये जो अकाउंट्स में जो है ना ये कैसे दिखाएंगे, यानी चार सालों के अकाउंट जो हैं उसमें ये फिगर कैसे आएगी। फाइनेंशियल पोजीशन में देखें, आपने फिगर उठानी है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से कि 2016, 2017, 2018 और 2019 में तो पे ऑफ हो गया, ख़त्म होगी बात, तो वहाँ से ये फिगर आई है। अब मैं चेक कर लेते हैं कि ये देखें, यानी फर्स्ट ईयर में 2016 में ये 996 है, तो देखें हमने क्या लिखी हुई है 996। और इसी तरह वहाँ पर जो इंटरेस्ट की इनकम है वो 56,154 है, इसी तरह 17 की है, इसी तरह 18 की है, इसी तरह 19 में जाके हमने कंक्लूड कर दिया है कि उसकी इनकम तो आएगी अलग से लेकिन बैलेंस शीट में इसलिए नहीं आएगा कि आपने इसको सेल ऑफ कर दिया है, आपको पेमेंट हो गई है। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली दिस एंट्रीज आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एंड फोर ईयर्स। हमने नॉर्मली तो एक साल की बात होती है लेकिन हम अगर उसको चार सालों में लेके जाना, क्योंकि हमने इसको होल्ड करना है, इसलिए होल्ड करना है कि आपको प्रीमियम मिलना है। 50,000 का इंटरेस्ट तो आपको मिला है लेकिन साथ साथ आपको प्रीमियम भी मिलना है, इसलिए आपने इसको हेल्ड टिल मैच्योरिटी तक रखा है, इसलिए आपने इसको चार सालों के अकाउंट्स में दिखाना है। कैसे इनको रिकॉर्ड किया जाएगा? थैंक यू वेरी मच।